तो स्वागत है फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल टेक हाउस पे। जैसे कि फ्रेंड्स यहाँ पर दो फोन हमने रखे हैं, एक तरफ हमारा सैमसंग का A71 और उसी के अपोजिट में दिख जाता है ओप्पो का Reno3। जी हाँ दोस्तों, सैमसंग A71 यहाँ पर सैमसंग अपने अपने फोन यहाँ पर लाता रहता है मिड रेंज से हाई रेंज तक। उसी के बाद यहाँ पर ओप्पो काफी टाइम बाद हमें Reno3 का फोन दिखा, Reno2 आया था, अब Reno3 आया है। तो 30,000 की प्राइस में आपको क्या क्या क्वालिटी मिलने वाली है वो तो हम बता चुके हैं, वीडियो अवेलेबल है, चैनल पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पर हम करने वाले हैं इसका फिंगरप्रिंट टेस्ट और वाटर टेस्ट। तो आपको यहाँ पर किसमें अच्छी सैमसंग क्वालिटी मिलने वाली वो मैं बताने वाला हूं, तो वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा। और पहली बार चैनल विजिट कर आए तो सब्सक्राइब का बटन दबाकर जो जाए थे उसकी फैमिली के साथ। सो फ्रेंड यहाँ पर दोनों में मैंने अपने फिंगर को सेंस कर दिया है। यहाँ पर आप चेक करते हैं कि किसमें आपको तेज फास्ट वाली स्पीड मिलने वाली, क्योंकि यहाँ पर दोनों की प्राइस है वो 30,000 रुपये है। सारे कॉन्फ़िगरेशन लगभग सिमिलर है, कैमरा क्वालिटीज वगैरह आपको जानना है तो चैनल पर जाइए चेकआउट करें, लिंक आपको बिल्कुल क्लियर तरीके से मिल जाएगा क्योंकि क्वालिटीज में मिलने वाली है। तो यहाँ हम करने वाले हैं यहाँ पर फिंगरप्रिंट टेस्ट। तो यहाँ पर मैं दोनों में, इसमें मैंने राइट थंब को लगाया है, इसमें लेफ्ट थंब को हमने सस्पेंस करके रखा है। तो यहाँ पर देखते हैं, नॉर्मल में थंब को पहले क्लिक करता हूँ, देख सकते हैं आप टाइमिंग किसकी फास्ट थी। आपको भी यहाँ पर ध्यान रखना है और कमेंट सेक्शन में जाके बताना है कि किसकी स्पीड यहाँ पर आपको फास्ट लगती है। तो चलिए फिर से एक बार और वन मोर टाइम हम देख लेते हैं, स्क्रीन पर प्लान टेस्ट करते हैं। ये हो गया, थोड़ा सा सैमसंग यहाँ पर लेट कर रहा है, जैसे कि हमेशा नाटक होते हैं सैमसंग के सैमसंग की क्वालिटी के अंदर। वन मोर टाइम फिर से हम हाथ थोड़ा सा रब कर लेते हैं, उसके बाद चेक करते हैं। ये देखा, मतलब सिमिलर टाइम है लगभग, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर फास्ट है हमारा ओप्पो Reno3 Pro। तो चलिए यहाँ पर हम ऑफ स्क्रीन के अंदर टेस्ट करते हैं दोनों को, यहाँ पर फिर से क्या इसकी क्वालिटी आपको बेटर मिलती है। यहाँ पर सेंसर पहले आ गया इसका, चेकआउट करते हैं, नो मैच। थोड़ा सा यहाँ पर लीन प्रोसेस कर रहा है हमारा सैमसंग का। तो चलिए इस चीज़ को हटाते हैं और ले आते हैं हमारा मेन हथियार। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर पानी आ गया है। अब यहाँ पर हम चेकआउट करेंगे कि इसके अंदर आपको यहाँ पर गीले अगर हाथ हो जाते हैं या फिर वॉश आप शावर लेके आएँ, अगर आपके हैंड गीले हैं तो वहाँ पर आप सेंस करें या नहीं करें अपने फ़ोन को, तो उसकी प्रोटेक्शन मिलती है ना, और उसमें सेंस करेगा या नहीं करेगा वो आपको क्लियर मिलने वाला है। और अभी तक वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए यहाँ पर हम फ़ोन को यहाँ पर मैं कर देता हूँ स्टार्ट फिर से, और अब यहाँ पर दोनों पर ही थोड़ा थोड़ा सा पहले हम कर लेते हैं थंब को प्रेस गीला, उसके बाद हम डालेंगे यहाँ पर ड्रॉप। तो यहाँ पर पहले मैं दोनों ही फिंगर को अपने यहाँ पर कर लेता हूँ डीप पानी के अंदर, और यहाँ पर मैंने अपने फैन को कर लिए गीले, जैसे कि आप देख सकते हैं दोनों यहाँ पर थंब गीले हो गए। तो यहाँ पर उसके बाद आपको एक बार और नज़र आ रहे होंगे। अब मैं यहाँ पर इन दोनों ही फ़ोन को ओपन करता हूँ, एक एक करके टेस्ट कर लेते हैं। नो रिस्पॉन्स, नो रिस्पॉन्स, सुपर एमोल आई है, लास्ट टाइम पे हुआ है सैमसंग में। देखते हैं थोड़ा सा इसको वापस हटाते हैं, नो मैच, नो मैच, नो मैच। तो यहाँ पर तीन बार मैंने टैप करा लेकिन यहाँ पर यह मैच नहीं हुआ। तो चलिए फिर से एक बार दोनों ही फ़ोन को मैं साफ़ करके आपके सामने ले आता हूँ। तो फ्रेंड दोनों ही यहाँ पर दोनों की फ़ोन के डिस्प्ले को मैंने यहाँ पर साफ़ कर दिया। फिर से एक बार मैं वाटर डॉप करता हूँ और चेकआउट करते हैं यहाँ पर ये चलते हैं नहीं चलते। थोड़ा सा अपने फ़ोन में ज़्यादा ही पानी है यहाँ पर, चलिए इसको चेकआउट कर लेते हैं पहले Reno3 Pro को फिर से। आप देख सकते हैं यहाँ पर हैंड गीला, चलिए नो रिस्पॉन्स, नो रिस्पॉन्स। यहाँ पर Reno3 Pro यहाँ पर वन टाइम में नहीं होता लेकिन सेकेंड या थर्ड टाइम में आपका अनलॉक कर देता है। चलिए सैमसंग A71 की तरफ चलते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं हैंड मेरा थंब गीला है, नो मैच, नो मैच, नो मैच। जैसा कि सैमसंग की यहाँ पर क्वालिटी फिर वही चीज़ देखने को मिली कि यहाँ पर नॉर्मल तो थोड़ी सी स्पीड बढ़ी है सिंपल में, लेकिन अगर आपका हैंड गिला है तो यहाँ पर आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम आने वाली है। तो चलिए एक लास्ट टाइम और करते हैं, वाटर ड्रॉप करेंगे हम इसके ऊपर, उसके बाद चेकआउट करेंगे कि इसके अंदर आपको बेहतर सी क्वालिटी मिल जाती है सैमसंग की। सो फ्रेंड चलिए थोड़ा सा पानी ड्रॉप कर लेते हैं यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर, फिर देखते हैं यहाँ पर किसके अंदर क्वालिटी मिलती है। तो यहाँ पर मैंने इसको ड्रॉप आउट कर दिया है, सैमसंग में भी कर लेते हैं, मैंने इसके पूरा फ़ोन पे हो गया। यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर इसका ओपन हो गया, यहाँ पर बस दोनों में ही मैंने सेंस पानी ऊपर सेंसर के ऊपर डाल दिया है। तो चलिए फ़ोन को यहाँ पर अब करते हैं टेस्ट फिर से वन मोर टाइम, बिल्कुल थंब को हम सुखाएंगे इस बार और सिर्फ वाटर ड्रॉप के अंदर ही जाके चेकआउट करते हैं। तो यहाँ पर फिर से इसको अनलॉक करके लॉक कर देते हैं, चलिए हो गया। यहाँ पर Reno3 मतलब बहुत तेज़ी से फास्ट सेंसिंग तो करेगा, उसी के साथ अगर पानी भी ड्रॉप है तो यहाँ पर यह सेंस कर लेगा। सैमसंग में चेक करते हैं, नो ट्राई भी नहीं हो गया है, तो मतलब कि यहाँ पर आपको प्रॉब्लम यहाँ पर मैं क्लियर कर देता हूँ, अगर आपका थंब थोड़ा बहुत भी गीला वेला है तो यहाँ पर आपको सैमसंग में प्रॉब्लम आने वाली है। अब कंपैरिजन करने से कोई फायदा नहीं क्योंकि आपको क्लियर नहीं यहाँ पर नज़र आ रहा होगा। मैं Reno3 Pro के अंदर एक और बार टैप कर लेते हैं, यूज़र मैनुअल में वापस आ गया,
ये मतलब कि रेनो 3 प्रो के अंदर आपको अधिक टाइम, मेनली टाइम तो आपको यहाँ पर फोन आपका स्टार्ट हो जाएगा। अभी आप फोन आपका गीला है, आपका थंब गीले हैं तो यहाँ पर फ्रेंड अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पहली बार विजिट कराए तो सब्सक्राइब बटन दबाकर जुड़ जाए उसके मेरे साथ। और किसी भी तरह के कंपेरिजन और किसी भी तरह का टेस्ट चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा।